बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मौसस खवातीनो हज़रात, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। कानून मुफरत आजाद टीवी की आज से इंशाल्लाह ताला वीडियोस का सिलसिला जो है वो शुरू कर रहा हूं। आज की इस मुख्तसर सी वीडियो का उन्वान है, मुफरत आजाद क्या है। जैसा कि नाम से जाहिर है, कानून मुफरत आजा, जो गजा हम खाते हैं, ये जब इंसानी जिस्म में हजम के मुख्तलिफ मराहल तय करके इखलात की शक्ल इख्तियार कर लेती है, तो उन इखलात के मुंजमद होने से मुफरत आजा जो है वो वजूद में आते हैं। इखलात के मुंजमद होने से मुफरत आजा बनते हैं। हजरत साहब मुतानी रहमतुल्लाह अलैह की तहकीकात के मुताबिक बलगम और रुतुबात जब मुंजमद होती हैं तो इससे आसाब जो हैं, इंसानी जिस्म के आसाब जो हैं वो वजूद में आते हैं। दिमाग इनका मरकज है, तमाम आसाब जो हैं उनका मरकज दिमाग है और पूरी बॉडी के जो आसाब हैं वो बलगमी रुतुबात के मुंजमद होने से वजूद में आते हैं। और यही जो बलगमी रुतुबात है ये दिमाग और आसाब की खुराक है। इसी तरह जब खिल्त सुदा मुंजमद होती है तो फिर इंसानी जिस्म के उजलात वजूद में आते हैं जिनको हम गोश्त कहते हैं। तमाम इंसानी जिस्म के गोश्त का मरकज कलब है, दिल है, और इनकी खुराक जो है वो खिल्त सुदा है। इसी तरह जब सुफरा मुंजमद होती है तो इंसानी जिस्म के हदूद जो हैं वो वजूद में आते हैं। इंसानी जिस्म के तमाम हदूद या ग्लैंड्स, उनका मरकज जो है वो जिगर है। अब इंसानी जिस्म के तमाम हदूदों और जिगर की खुराक जो है वो भी सुफरा है। कानून मुफरत अजा के मुताबिक मुफरत अजा क्या है, कैसे वजूद में आते हैं और उनकी खुराक क्या है, ये आज की इस वीडियो का उन्वान है जो कि मैंने आपकी खिदमत में बयान कर दिया है। आपसे गुजारिश है कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब करें और इसको दूसरे दोस्तों के साथ भी हमारी वीडियोस को शेयर करें। आप आते हैं, आगे चलते हैं कि इंसानी जिस्म के जो दूसरे आजा हैं वो कैसे वजूद में आते हैं। तो इन्हीं मुफरत अजा के बाहम मिलने से इंसानी जिस्म के तमाम आजा, मेदा, अंतड़ियां, हमारे ये हाथ, बाजू, पांव, जुबान, सब जो है आंखें वजूद में आती हैं। मुफरत अजा के ये बाहम मिलने से, मुरक्कब होने से पूरी इंसानी जो बॉडी है उसके जो आजा हैं वो बनते हैं और इनके बाहम मिलने से इंसानी जिस्म जो है वो वजूद में आता है। आज की इस मुख्तसर सी वीडियो में आपको कल मुफरत अजा का इल्म हो गया होगा और इनकी खुराक का भी इल्म हो गया होगा और इनके मिलने से जो हमारे आजा बनते हैं उनका भी इल्म हो गया होगा। आखिर में इस दुआ के साथ आपसे इजाजत चाहता हूं कि अल्लाह ताला हम सब का हामी नासिर हो।
कनोमफरदला सीखने के लिए हमारा ये चैनल देखते रहें, इंशाल्लाह ताला आपको हम बतदरीज कनोमफरदला सिखाते रहेंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।